आ जाएगा। सही इस है, पे आपने बैंडेज नहीं की? की थी। आप उस साइड का देखो, मैं इस साइड का देख लेती हूँ। आंटी आप मुझे स्टोरी सुनाएंगी? सर आपने आपने सर वही रखा, आपने सर नहीं हिलाना है, स्टोरी आपको सुनाएंगे। आप इसको फजर की बातें सुना देना। फजर जब छोटा सा था तो आपके पास आया था। हाँ, फजर जब छोटा सा था ना तो बड़ी उसकी प्यारी बातें होती थी। क्या क्या बोलता था? वो तोतला बोलता था। हाँ, फूफो जी फीडल पीना है, मैंने मुझे फीडल पीना है, दादो, जब दादो थी उसकी। अच्छा। फिर उसको जो है ना दादो के पास जाता था, दादो को कहता था दादू जी, मतलब तोतली जबान में ना, वो तो मैं आपको सही से बता रही हूँ। तो आपकी अम्मी वगैरह इधर ही रहती थी? हाँ, अम्मी वगैरह मेरी मेरे पास ही घर के है ना, उनके ग्वाल मंडी में रहते थे पहले। अच्छा। ग्वाल मंडी से फिर हम द्रोगे वाले की तरफ गया। अब वो आर्किटेक्चर थे, रेलवे में भी मुलाजिम वो थे, ऑफिसर। अच्छा। एम्प्लॉय थे वहाँ के। अच्छा, इसकी ये देखें, इसकी खुश्की जो है ना ये इस तरह की है, और जब गर्मी आती है ना इसका यहाँ से ये सारी जम जाती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो इसकी सही हो जाती है। अच्छा, लोगों को डैंड्रफ सर्दियों में होती है, अच्छा गर्मियों में इसको हो जाती है? इसको गर्मियों में हो जाती अच्छा, है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर्दियों में नहीं होती। कैप वगैरह लेनी होती है, स्कार्फ लेना होता है। वो तो मेरी बेटी नहीं लेती इतने शौक से, लेकिन बच्चों के लिए ना, उनकी सेहत के लिए उनको पता नहीं होता ना। ये देखिए डैंड्रफ हो गई थोड़ी सी। आंटी आपकी बेटी भी स्कूल पढ़ती है? नहीं बेटा, वो पढ़ चुकी है, मैंने उसकी शादी कर दी है। और जब आप जाती हैं गार्डन में तो आप फूल तोड़ती हैं या नहीं? थोड़े थोड़े। नहीं, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूल जो होते हैं ना वो लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। लेकिन आप फूल से मुझे याद आया, मैं जायना की आपको बात बताती हूँ। जायना छोटी होते कहती थी, जायना बता दूँ, जायना कहती होती थी बच्चों को नहीं, लड़कियों को नहीं मारते, बेटियों को, बेटियां फूल होती हैं। हाँ। बाबा को ये कहती होती थी, बाबा की रानी भी होती हैं, हाँ, फूल भी होती और फिर ना हम लोग गए जहेर की दफा चिला, चिले में वहीं पे करती हूँ, तो जायना तब थी 2 साल की। अच्छा। तो मेरे भाई की 2 बेटियां हैं, एक जायना से 4 माह बड़ी है और एक 10-11 माह छोटी है, मतलब ये उनके दरमियान में। अच्छा। तो इन तीनों का आपस में बड़ा, मतलब लड़कियां उस वक्त ये थी और फिर जहेर हुआ था वहां पे ना। अच्छा। तो ये तंग बड़ा करती थी, अब मैं चारपाई पे थी तो अब्बू पता बड़े जल्दी वो गुस्सा कर जाते हैं। हाँ, वो चिड़चिड़ापन। तो जहाँ पे उन्होंने टीवी देखना होता, ये कभी पर्दे के पीछे खेल तीनों, कभी कुछ कर, तो तंग करते। हाँ, अब्बू ने ना अपनी पोतियों को कहा इधर आओ जरा, मैं तबीयत सेट करूँ तुम दोनों की ना। तो ये वो भी वो समझ लें, वो भी 2 साल की और 1 साल की 1.5 की होगी। इसने जब देखा कि डांट पड़ रही है हरम को, जो मेरी भतीजी है, तो अबू ने कहा इधर आ, तू भी इधर आ, इसको बोला तू भी इधर आ। अच्छा। इसने कहा मैंने नहीं आना है अभी। अबू ने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, तीनों तीनों को दफा कर दिया। ये थोड़ी देर बाद सर निकाल के अबू की तरफ मुंह करके कहती है आपको पता है बेटियां फूल होती हैं। अबू को गुस्सा चढ़ा, मत अबू की हंसी निकल गई। मेरे अबू कहते हैं इधर आ, मैं तेरा गोभी का फूल बनाओ। जायना की ये बात अभी तक याद की जाती है, बेटियां फूल होती हैं। तो फूल तो हो ही आप, लेकिन वो बड़ों को जो है ना, जब वो आराम कर रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, फिर डिस्टर्ब ही ना करते हैं। जायना के ये कहने के, ये लोग भी ना उधर ही जाके ना अब्बू के पास ही पर्दे के पीछे छुप, अब्बू ने कहा दफा हो जाओ तीनों यहाँ से, कहती है वो डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, जायना छोटे थे, हम कहते थे ना इसके बाबा कहते थे यार 10 बज गए अब सो जाए, हम लोग 11 बज गए। तो जायना को समझ नहीं थी आती थी, तो जायना कहती थी दूस बज गए, दूस 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 बज गए। और एक कहती थी 11 बज गए 11 अब तो सो जाए। बच्चों की जो बातें होती है ना, यही तो बस प्यार का। और ये भी कहती थी छाती खट खट कर रही है। इसका वो जब सुनाते बच्चे बोल नहीं ना पाते ठीक से, तो फिर जो अपनी लैंग्वेज में वो हमें समझाना चाहते हैं ना। पापा वो भी बताए जो जहेर को कैसे फूफी करती थी। हाँ, जहेर को ना, इससे जहेर इससे 2 साल छोटा पूरा। अच्छा।
इसने हम लोगों ने पप्पी करनी करनी, तो इसको भी शौक आना कि मैं पप्पी करूँ। अच्छा अच्छा, ये जब भी उसकी तरफ पप्पी करने जाए ना, अजान हो रही है, ये टिकता नहीं है इसकी, अगर नहलाना है इसने टिकना नहीं है, और ये बड़ी वो करता है, छोड़े मुझे आप बस कर दें। हम ये तंग आ जाते हैं छोटे बच्चे, हाथ नहीं लगाने देते हैं। हाँ जाइना को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना। मामा जी, बाबा मेरी पप्पियाँ भी लेते हो तेरे, मैं साथ साथ स्टोरी सुनाते थे मुझे। आपको तो बहुत ज्यादा स्टोरीज आती होंगी। जाइना आज आप सुनाओ, पुप्पो को सुनाओ वो वाली चिड़िया कोको वाली। हाँ, चिड़िया कोको वाली, दाल चावल वाली। सही से ये देखना है कि जाइना को याद है या नहीं। याद है, एक चिड़िया होती है वो गाती है कि चलाओ आज खिचड़ी ना बनाए, तो वो कोको कहती है हाँ बनाते हैं, तो वो चिड़िया ले जाती है दाल और कोको ले जाती है चावल, तो वो जब दोनों ला देती है ना, तो फिर वो कोको के ना दिमाग में लालच आता है। अच्छा, फिर जब वो लालच आता है ना उसके दिमाग में, तो वो चिड़िया को कहती है कि चिड़िया जरा पानी ला दो मुझे प्यास लगी है। वो जैसे ही जाती है ना, वो चुपके सारा बना के खा लेती है, खुद ही खा जाती है सब। हाँ जी, खुद ही खा लेती है। हमें एक ना चिड़िया, हिलना नहीं, अच्छा खामोश हो के, एक चिड़िया थी है एक कोको थी है, जो चिड़िया थी है ना वो कहती है यार मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलाओ आज खिचड़ी ना बनाए, तो वो कोको कहती है हाँ चलाओ बनाते हैं, आप दाल लेके आओ मैं चावल लेके आती हूँ। अच्छा, तो फिर जब वो दोनों ले आते हैं ना, तो फिर पक जाती है, तो फिर उसके दिल में लालच आता है, दिमाग में लालच आता है कोको के, वो कहती है कि यार जब ये जाए तो मैं ये पूरे चावल और दाल चावल ना खा लूँ। हाँ मैं ही खा लूँ सब। हाँ मैं ही खा लूँ सब। तो वो कहती है यार मुझे तो बहुत प्यास लग रही है पानी ले आओ, तो जैसे ही आती है वो ना पूरे चावल खा जाती है। तो जब चिड़िया आती है ना, वो उसे पूछती है कि पूरी खिचड़ी खा गई, किसने खाई है? तो वो कोको कहती है ये तो पूरी मैंने खाई है, और उसके बाद मिली है। ये क्या बात हुई? उसके बाद वो उसके वो जो धुम होती है वो रख देती है उसके ऊपर, स्टोव के ऊपर। वो कहती है क्यों पकाया, किचड़ खादा? कहती है ची ची मेरी धुम, ची ची मेरी धुम, ची ची मेरी धुम। ये था एंड। लेकिन ये है कि उसने उसका नहीं ख्याल किया, जो उसके साथी थे कोको का ख्याल नहीं किया ना। उसको भी चाहिए था ना कि वो उसके लिए भी रखती है, और वो कहती कि हम मिलकर खाएंगे, तो मिलकर खाना मिलकर बैठना अच्छी बात होती है ना। शेफर्ड वाली सुनाया आपने? वो आप सुनाए मुझे, वो मुझे सुनाती जाए मुझे कर। मैंने असल में ना आपसे सुननी, आपको याद है कि नहीं है? अच्छा चले ठहर जाए, मैं ना आपको ना मामा वो लिख रहा है, एक अच्छी सी वो एक प्रिंसेस और उसका अच्छा सा नाम हुआ। चल कल भी मैंने आपको प्रिंसेस की और उसके अच्छे से नाम वाली सुनाई थी, तो लेकिन आप भूल जाती हैं जाइना। लेकिन तो सामने जाइना आपके जहन से निकल जाती हैं स्टोरीज। नहीं फिर ये याद तो रखी थी, और इसी याद रखा था ना, क्योंकि जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, नहीं फिर जब आप बड़ी हो जाएंगी, आप ही सब बच्चे आपको कहेंगे, तो फिर आपने भी टीचर बनूंगी। टीचर तो बन जाएंगी, लेकिन घर में जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, अब ये जुहेब है या और आपके जो कजन है, वो कहेंगे आप ही हमें कोई स्टोरी तो सुनाए, फिर आप कहेंगे मुझे याद नहीं। रायना सुनाती है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि याद रखा करो ना। मैं हर चीज याद रखती हूँ, तो आप अच्छी बेटी हो। हम लोग स्टोरी रात को इनको सुना के सोते होते थे ना, तो जुहेर भी सुनता होता था, जुहेर छोटा सा था, तो जुहेर की स्टोरी ऐसे लाइन 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 लाइन, मतलब पूरी स्टोरी में वो सिर्फ लाइन ही होता था, और हमें याद रहता। हाँ हमें, और हमें याद आ जाती थी कि ये लाइन की स्टोरी सुना रहा है। मम्मा शेफर्ड वाली आपको याद है ना?
हाँ, एक एक ना शेफर्ड होता है, तो वो जो शेफर्ड होता है ना, वो बकरियों को ना लेके जाता है उनको घास वगैरह खिलाने के लिए, ठीक है? हाँ, ग्रास ग्रास जो होती है तो ना जंगल वो, में घास होती है ना। तो वो ना उसके माइंड में ना एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं लोगों को ना बेवकूफ बनाऊं और फन करूं और मजा मामा करूं। एक चीज बताओ, जी मैंने ना एक दिन टीचर ने लिखा हुआ था एक सेंटेंस के, लिखा हुआ था उन्होंने ग्रास, तो मैंने उसको ग्लास समझ के लिख दिया कि आई हैव ग्लास, टीचर ने रॉन्ग कर दिया। ग्रास और ग्लास मिलता है ना, हाँ लेकिन जी, स्पेलिंग में तो फर्क होता है ना। हाँ जी। तो आयना को उल्टी समय लगी ना। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, वो जंगल में चला कुछ जाता है। जंगल में नहीं, वो पहाड़ मैं के जायना से ऊपर। पूछ रही हूँ, जायना आपको याद नहीं है? नहीं ज्यादातर करी, सिर्फ थोड़ी सी। अच्छा चलें ठीक है, ये शेफर्ड वाली जो उसके बाबा ने उसको इतनी सुनाई ये है, तो बहुत सुनाई जाती है बच्चों को स्टोरीज, क्योंकि वो इसमें एक उसके मैसेज भी है ना बच्चों के लिए। जो जायना को पता क्या मैसेज है, झूठ बोलना नहीं बोलना चाहिए। जायना जब भी झूठ स्टोरी बोलने से सुनती। अल्लाह ताला भी तो नाराज होता है ना, अल्लाह ताला भी नाराज होते हैं, फिर वो जो लोग फिर वही अच्छा कहते हैं। जायना का ही मैं आपको वाक्या सुनाती हूँ। जायना को ना जब डायरी मिलती है ना, ये लास्ट ईयर की बात है जो लास्ट क्लास में थी ना, तो डायरी मिलती है ना, तो डायरी से देख के ना, तो मैं काम जो है ना वो जायना को आगे प्रिपेयर करवाती हूँ। अच्छा, जायना को एक दिन डायरी दिखाई तो मेरे मुझे ये था कि मैंने सारा काम करवा लिया, लेकिन मैंने सारा काम नहीं, एक काम रह गया, वो मेरे शायद माइंड से स्किप हो गया, या उसकी जगह मैंने इसको कोई और टेस्ट प्रिपेयर करवा दिया। अब क्लास में हाँ, जब टेस्ट हुआ, जब हाँ क्लास में जब टेस्ट हुआ तो मैं मुझे याद नहीं होता, मैंने कहा कि ये तो मामा ने मुझे याद ही नहीं करवाया था, तो उसके बाद मैंने चीटिंग कर दी इसलिए। जायना ने ना फिर अपने फ्रेंड से ना क्लास वालों से चीटिंग की और अच्छा, लिख के ना, तो लेकिन उसको भी तो चीटिंग नहीं हाँ करवानी चाहिए थी ना। तो ना चीटिंग करवा दी और आके लेकिन मुझे बताया, मामा वो तो आपने मुझे प्रिपेयर नहीं था करवाया। तो मैंने कहा आपके तो टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं, अगर आपको प्रिपेयर नहीं था। तो कैसे किया? हाँ, इसने इसने बता दिया, इसने कहा मामा मैंने चीटिंग की। मैंने कहा आपने टीचर को बताया? कहती मामा अगर मैं टीचर को बताती तो टीचर ने तो मुझे डांटना था। मैंने पनिशमेंट कहा करनी थी लेकिन भाई। अगर अब आपने नहीं ना बताया तो टीचर जो है ना उनको अगर पता चलेगा तो वो डांटेंगी इस तरह, ये आपने तो टीचर के साथ चीटिंग की है, ना सिर्फ खुद चीटिंग की है बल्कि टीचर को भी आपने चीट किया ऐसे। है। पर एक दिन ऐसे हुआ तो फिर जाइना ने ना कहा कि मैं अब क्या करूं। मैंने कहा आप जाके टीचर को सॉरी करो, उनको सारी बात बताओ। तो कहती वो कुछ कहेंगी तो नहीं। मैंने कहा नहीं वो कुछ नहीं कहेंगी, मैंने डायरी पे नोट भी लिख दिया। लेकिन जाइना ने खुद जाके उनसे सॉरी भी किया और उनको सारी सिचुएशन भी बताई, उन्होंने जाइना को प्यार किया, उन्होंने कहा इट्स ओके वेरी गुड, बेटा। सच बोलना तो बहुत अच्छी बात होती है ना। जाइना ने फिर मुझे आकर बताया टीचर ने नहीं डांटा। जब थी ना वो ट्यूजडे, तो फिर ना फिर ना मेरी डायरी ले गया स्कूल में, उसकी टीचर ने मेरी डायरी में लिख दिया उसका काम। जोहेब ले गया था डायरी, मेरी फिर टीचर ने जोहेब चेक नहीं किया कि इधर जोहेब को नाम असल में किसका? ना, जोहेब हमारा केयरलेस है, ये इसको कोई पता नहीं होता अपनी चीजें करनी है रेडी करनी है, जायना सारी रेडी करके लेके जाती है। जोहेब अभी छोटा भी तो हाँ है जी, ना, तो नहीं जायना मेरी लेकिन जब छोटी भी भी थी ना, तो ये अपनी अच्छा चीजें घुमा के नहीं थी आती, मतलब जो अच्छा चीजें जब इसको दे के भी मैं मैंने वापस ले आती थी वापस लेके आती पता, थी। जब मेरी तो मेरी बेटी जो है ना कश्माला, वो लंच तक वापस ले आती थी क्लास में। जब ब्रेक होती थी ना, मैं उसके स्कूल में टीचिंग करती थी ना, जी तो जिस वक्त ब्रेक होती थी तो वो मेरे पास ही आ जाती स्टाफ रूम में, अच्छा तो वो अपना लंच बॉक्स ले आती थी। तो मैंने कहा आपने अपनी ब्रेक में खाया नहीं था? कह रही नहीं मैंने नहीं खाया मामा, हम मिलके खाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा बच्चे और बाज़ औक़ात जैसे मैं नहीं देख पाई तो वो घर में पूरा लंच जाता था, मम्मा अच्छा मेरा वापस ले जाती थी। बच्चे लंच भी नहीं करते हैं जो कि एक बड़ी गलत आदत है मम्मा बच्चों आपको में। पता है हर दिन ना जब भी मैं स्कूल जाती हूँ मेरी बैग चली घूमी रहती है, कभी नीचे गिर जाती है कभी जिप टूट जाती है इस तरह। हाँ तो आप ख्याल रखा करें ना। तो रख दी लेकिन फिर भी कभी नीचे गिर जाती है। नीचे तो चलो गिर जाती है बंदा उठा लेता है, लेकिन ये कि जो चीजें गुम हो जाना है ना, ये नहीं होने चाहिए। नीचे वगैरह गिर जाती है और मुझे पता भी नहीं चलता। इनकी चीजें लंच बॉक्स वगैरह गुम हो जाए ना तो वो फिर स्टाफ रूम में जमा हो जाते हमारे हैं। यहाँ भी यही होता है, जो आया जी होती है ना वो रख लेती हैं, फिर वो अगले दिन पेरेंट्स में से कोई भी आता है ना हाँ जी तो फिर उनको वापस कर दी जाती है वो चीजें। हमारे
समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे दूसरे बच्चे ले जाते हैं और फिर पता नहीं चलता, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आया जी ना संभाल लेती है ऐसे ही। मामा आपको पता है मैं कैप टाई लंच बॉक्स बच्चों की कॉपीज बुक्स ये अक्सर स्कूल में जो है ना रह जाती हैं बच्चों की। लेकिन मेरे नहीं रहती। आप तो अच्छी बच्ची हो ना, आप अपनी चीजों का ख्याल रखते हो, लेकिन जो बच्चे नहीं ख्याल रखते ना फिर उनकी चीजें जो है ना वो मिस्टेक होती रहती है, गुम हो जाती हैं, ले जाते हैं। मामा आपको पता राइना जो थी ना, आओ आप मैं आपके दिखती हूँ। उस टाइप की आजो मेरे पास आ जाओ बेटा। अच्छी अच्छी सर्दी में फिर रहे वहाँ आपके तो नहीं जुए बालों में दर्द हो रही है कि खारिश हो रही है को ना इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका भी तो कुछ करे ना, वो जो करवा रही है चलो जो मामा से केयर करवा रही है इसका क्या करना है। दिल भी खराब हो रहा है आपकी, राइना कह रही थी कि दिल भी खराब हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। पैसे इसका साथ देख देना। हाँ इसने कहा है मुझे कि मेरे यहाँ पे वो दर्द हो रहा है, हालांकि दर्द ही खारिश हो रही है। इसके इसने ना उल्टे ही नाम रखे होते हैं, बस बच्चे हैं उसको नहीं पता है। अच्छे दिखाओ जामा शीरी को कहता है जामा शीरी। हाँ जी जुहेब के भी जुए हो जाती हैं। छोटे होते हैं कहती थी अंडा को जुए हो जाती हैं आपके भी ये नहीं होती खारिश होती है। जेर को जब पढ़ती है ना मुझे पता चल जाता है जेर को कहीं से पढ़ी है और जेर फिर बच्चे खारिश करते रहते हैं बता नहीं सकते कि हमारे समय जुए हैं ये क्या है डैंड्रफ है। अक्सर ऐसा होता है आपको पता गेट टुगेदर हो ना उसमें होता है बच्चों का या ये क्लास में यहाँ से इसके बॉटम पे क्यों ये इसका सर जो लंबा है। अच्छा वैसे तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई चोट चाट लगी हुई हो वो बोलते हैं ना टोनी निकली है। अच्छा हाँ हल्का सा है वो निकला होगा। अच्छा वो बाल जब आएंगे ठीक हो जाएगा। जी जान मैं ना क्लास में गिरा था। कब गिरा था आपके पास टिश्यू है टिश्यू का क्या हाँ टिश्यू किधर गया कहाँ लगी थी चोट टिश्यू किधर गई चोट आ गई थी। और ये आपके नेल क्यों नहीं काटे हुए आपने इसके नेल भी अभी काटती हूँ। देखो कितने सारे नेल बड़े हुए हैं आपके कटवाते नहीं हूँ आप मामा से नहीं जेर इतना शौक से नहीं कटवाता। हमारा जो फजर है ना उसको पता है क्या आदत है वो मुँह में ले लेके ना सारे नाखून खुद ही काट देता है नेल बाइटर है ना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ मेरी मामा भी उसको इतना हम डांटते हैं इतना उसको हम डांटते हैं ना लेकिन तमाम नेल जो है ना अपनी फिंगर्स के उसने उतारे होते हैं अपने मुंह से अपनी मैं उतारती पहले उतारती थी तो फिर मेरे एक दिन ब्लड निकला था। ऐसे भी करोगी तो आपकी आवाज चली जाएगी। अब तीन चार दिन पहले ना हमारे घर आए सिंगाड़े। अच्छा वहाँ वो कश्माला के हस्बैंड ने ना सिंगाड़े लिए तो उसने ना मुझे दे दिए कि मामा ये लाए थे अदील है मेरे दामाद का नाम। अच्छा तो अदील सिंगाड़े लाए थे आप ले लें मैंने कहा अच्छा तो उसने ना भेज दें इसने नहीं बॉयल करके ना। अच्छा नहीं दिखा ना नहीं बॉयल करके ना मुझे उसने दे दिए। अच्छा तो मैंने मेरे घर में गैस नहीं आती ना बहुत कम आती है बेटा है। अच्छा। तो उसने मुझे बॉयल करके दे दिया। अब फजर की मैं आपको बात बताने लगी हूँ जो नेल बाइट बच्चा करता है ना नेल बाइटिंग तो उसके साथ ये हुआ कि जब वो सिंगाड़े खाने लगा ना छीलकर उसे छीले ही ना अब मैंने कहा तुम और अपने नेल जो है ना वो करो। कह रहा पप्पो आप ही तो कहती हैं नेल काटने चाहिए। मैंने कहा एक हद तक एक लिमिट तक काटने चाहिए ना आपने तो बिल्कुल अपने नेल उतारे हुए हैं तो अब मैंने कहा मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। कह रहा अब मैं अपने नेल बढ़ाऊंगा मैंने कहा इतने भी नहीं बढ़ाने हैं कि वो आपको जो है ना नुकसान दे और वो फिर बुरे लगे इसके नेल ना बढ़ते तो ये जो है ना जुहेब ने नेल जो है बढ़ाए हुए ना तो ये नेल काटने वाले होंगे इसके। अभी ये नाई करवाती हूँ ना फिर जेल के मैं ये फ्राइडे को जो है ना नेल काटना सुन्नत है। फ्राइडे को ना कोशिश किया करें कि फ्राइडे को इनके मुझे तो कान साफ करना और जगह जगह नेल काट के नहीं फेंकते एक ही जगह एक जगह पे बस पटवा काम ही नहीं आने चाहिए एक तो बाल और एक नेल
क्योंकि ये पाँव में अगर आ जाती है ना तो फिर बड़ी इनसे वो खराबियां पैदा हो जाती है, उलझन होती है, खराबियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि ना इत्तफाकी बढ़ जाती है उस बच्चे की, चिड़चिड़ी चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, चिड़चिड़ी आदत हो जाती है। नहीं करो वो, इसको उतार दे, भेज दे इसको, वहां बैठा वो देख रहा था, हमें देख रहा था, देख रहा था कि क्या कर लेंगे। इसके हीरो की तरह बाल लग गए, ये हीरे तो है,